हर रोज की तरह आज भी मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर और आईपीएल 2023 के सीजन को लेकर काफी सारी बड़ी खबरें या फिर कल काफी सारे अपडेट बाहर निकल कर आ रहे, तो सारी बड़ी खबरें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2023 का सीजन, तो हमारी इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से जुड़े हमारे कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की या फिर पहले बड़े अपडेट की। ये बड़ा अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम के ओवरसीज खिलाड़ियों की तरफ से निकल कर आ रहा है। दरअसल दोस्तों बीसीसीआई अभी ये प्लानिंग कर रहा है कि आईपीएल 2023 के सीजन के अंदर 5 विदेशी खिलाड़ियों को एक टीम की फील्डिंग 11 में मौका मिलना चाहिए और मुंबई इंडियंस की टीम कौन से विदेशी खिलाड़ियों को, कौन से 5 विदेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम के फील्डिंग 11 में हमें जगह देते हुए दिखने वाले। तो इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए या फिर नहीं, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। हालांकि दोस्तों अभी बीसीसीआई ने कन्फर्म तो नहीं किया कि एक टीम की फील्डिंग 11 में 5 विदेशी खिलाड़ी खेलने वाले आईपीएल के अंदर, लेकिन अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है तो मुंबई इंडियंस की टीम हमें काफी मजबूत दिखने वाली आईपीएल 2023 के सीजन में। तो इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए या फिर नहीं, क्या कह रहा है मैकी टीम, कौन से 5 विदेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम की प्लेइंग 11 में जगह देने वाली है, तो आप अपना कमेंट जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। यह बड़ी खबर T20 वर्ल्ड कप की तरफ से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों हमें T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत अब कुछ ही समय के अंदर होते हुए दिखने वाली है, और अगर आप सभी को भी T20 वर्ल्ड कप के पूरे मैचेस बिल्कुल फ्री में देखना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आसानी से मिलने वाली है। हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारे मैचेस टेलीकास्ट करने वाले T20 वर्ल्ड कप के, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलने वाला हमारे टेलीग्राम चैनल का, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की या फिर कह लिए तीसरे बड़े अपडेट की। यह बड़ा अपडेट आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन की तरफ से निकल कर आ रहा है। दरअसल दोस्तों अब बीसीसीआई ने डिसाइड कर लिया कि 20 दिसंबर के दिन हमें आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन होते हुए दिखने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने लगभग ये डेट कन्फर्म कर दिया 20 दिसंबर की, कि हमें 20 दिसंबर के दिन आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन होते हुए दिखने वाला है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में कौन सी टीम को, कौन से खिलाड़ियों को खरीदना चाहिए, आईपीएल की फ्रेंचाइजियों को कौन से खिलाड़ियों को खरीदना चाहिए और कितने करोड़ में खरीदना चाहिए, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।